हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए टेबल मैट या टेबल रनर भी बोल सकते हैं या डोर मैट भी बना सकते हैं, उसकी कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो लेके आए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये देखिए, हमने एक कपड़ा ले लिया है प्रिंटेड और उसको फोर फोल्ड में बिछा लिया है। उसके बाद हम कोई भी सर्कल चीज़ ले लेंगे, प्लेट ले सकते हैं आप कोई भी चीज़, या बाउल ले लिए। मैंने एक बाउल ले लिया है और मैं इसके साथ साथ इसमें निशान लगा लूँगी। मैं निशानों थोड़ा गहरा कर लूँगी। जो हमने निशान लगाया था, अब उसके उससे हमें आधा इंच एक्स्ट्रा निशान एक और लगाना है और फिर उस निशान के ऊपर से हमें कटिंग करनी है। ऐसे ही हमें 8 पीस चाहिए होंगे, एक प्रिंटेड चाहिए और एक प्लेन चाहिए। ये देखिए, मैंने इनको कटिंग कर लिया है 8 पीसेज को। अब हम इनको स्टिच करेंगे, दोनों की सीधी साइड मिलाते हुए हम स्टिच करेंगे। 1.5 से 2 इंच की जगह हम खाली रखेंगे ताकि हम इसको जब टर्न ओवर करें तो आसानी से इसको कर सकें, यानी कि पलटेंगे हम इसको, सीधा करेंगे तो ये खाली जगह जो छोड़ेंगे वहाँ से हम इसको बाद में स्टिच कर देंगे। पूरे पे राउंड राउंड स्टिच लगा देंगे और जो खाली जगह है उसको भी हम बंद कर देंगे। हम सभी पीसेज को ऐसे ही एक दूसरे के साथ मिलाते हुए, दोनों की सीधी साइड मिलाते हुए हम स्टिच कर लेंगे। 1.5 से 2 इंच की जगह हर पीस में हमें छोड़ देनी है। ये देखिए, हमने स्टिच कर लिया है। अब हम इसके किनारे पे कट लगा लेंगे छोटे छोटे, ताकि हम इसको पलटें तब आसानी से पलट जाएं और फिनिशिंग आए हमारी। सभी को ऐसे ही सीधा कर लेंगे हम। ये देखिए, जो हमारा कपड़ा, हमने जो जगह हमें ओपन छोड़ दी थी उसको थोड़ा, उस कपड़े को थोड़ा अंदर की तरफ रखते हुए हम इस पे सिलाई लगा लेंगे और पूरे पे सिलाई लगा लेंगे हम, और सभी पीसेज में ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। देखिए, मैंने इस पे सिलाई लगा ली है और इसको प्रेस कर लिया है ताकि अच्छे से हमारा सेट हो जाए। अब हमें इसका सेंटर पॉइंट निकाल के जो कॉर्नर है उन पे सभी पे सेम निशान लगाना है। तो सेम निशान लगाने के लिए पहले हम इसका सेंटर से फोल्ड करेंगे, फिर इसका एक और फोल्ड करेंगे और जो कॉर्नर आएंगे हमारे उन पे हम निशान लगा लेंगे। ये कपड़ा ऐसा है, इसमें मैं पेंसिल से निशान लगा रही हूँ क्योंकि चौक तो इसमें बिल्कुल नहीं दिखाई देता। ऐसे ही हमने चारों कॉर्नर पे निशान लगा लेना है। निशानों को थोड़ा डार्क कर लेंगे हम। अब एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारी पत्ती बनेगी जो, उसके लिए है ये, यहाँ पे हमारी सिलाई लगेगी। यानी कि 3 कॉर्नर को हमें आपस में ज्वाइंट करना है और दोनों सभी में सेम जगह छोड़नी ही है, नहीं किसी में ज़्यादा किसी में कम, ऐसे नहीं करना है। आपने चाहे तो आप इंची टेप से जगह निशान लगा सकते हैं, कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जगह सेम होनी चाहिए। ये देखिए, अब हम दोनों को उल्टी साइड, यानी कि जो हमारी प्लेन साइड थी उन दोनों को आपस में मिलाते और जो हमारा निशान लगाया था हमें वहाँ से इसकी सिलाई करनी है। सभी पीसीज का हमें ऐसे ही निशान को मिलाना है और फिर उसके ऊपर से सिलाई लगानी है हमें। सिलाई आप जो ज्वाइंट पे लगा रहे हैं वो डबल सिलाई लगाएं ताकि निकले ना सिलाई। देखिए, हमें इस पीस, 2 पीस को हमारे को ज्वाइंट कर लिया है, 1 पीस को और हम ऐसे ही ज्वाइंट कर लेंगे। ये जो ये कॉर्नर है ये हमारे मिलने चाहिए ऊपर से भी और ये नीचे से भी, नहीं तो ये कहीं से छोटा कहीं से बड़ा हो जाएगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए, हमने इसको अटैच कर लिया है और अब इसको ऐसे करके हम इस के ऊपर भी सिलाई लगा देंगे ताकि ये हमारा उखड़ा हुआ दिखाई ना दे। ये
देखिए हमें इसके ऊपर भी सिलाई लगा ली है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये देखिए कितना हमारा फ्लोर टाइप में बन के आया है। ये कोई भी कलर कम्बिनेशन कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा एक प्लेन और एक प्रिंटेड कपड़ा लें आप इसमें। देखिए दोनों साइड से इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।